ओम नमो नारायण। मैं आनंद गिरी पूज्य गुरुदेव को कान पकड़ करके अपनी सारी गलतियों की सबसे पहले माफी मांगता हूँ और क्षमा मांगता हूँ महाराज से। और जो भी पिछले दिनों जो विवाद हुआ, उस विवाद का जो भी कारण रहा हो, जो भी परिस्थितियां बनी हो, उन परिस्थितियों में जो मेरी जिम्मेदारी है उसके लिए मैं क्षमा याचना करता हूँ। मैं चाहे वो प्रिंट मीडिया हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, चाहे सोशल मीडिया हो, इन सभी प्लेटफॉर्मों में जो मेरे द्वारा कही अनुचित बातें हैं उन बातों को मैं वापस लेता हूं और मैं बार बार क्षमा याचना करता हूं। मैंने हमेशा कहा है कि गुरु हमेशा भगवान के दर्जे पे होते हैं, उनके बिना मेरा अस्तित्व नहीं है। इसलिए मेरे द्वारा अज्ञानता में और नादानी बस जो गलतियां हुई उनके लिए क्षमा याचना करता हूँ और अपने बयानों को जितने बयान मैंने दिए उनको वापस लेता हूँ। और साथ ही साथ अखाड़े के पंचों के साथ भी अगर मेरे द्वारा कुछ अभद्रता हुई हो तो मैं उनसे भी क्षमा याचना करता हूँ, माफी मांगता हूँ। मैं अपने सारे बयानों को वापस लेते हुए पूज्य गुरुदेव के चरणों को प्रणाम करता हूँ। मैं महंत नरेंद्र गिरी, आज मेरे शिष्य आनंद गिरी अपने मन की बात कही और मैंने भी कही, आए मेरे पास और इन्होंने क्षमा मांगा हमसे भी और पंच परमेश्वर से क्षमा मांगा। और इन्होंने कहा कि जो सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया में जो भी हमने गुरु के प्रति वक्तव्य दिया है वो वापस लेता हूँ। यह सब देखते हुए मैं भी शहर में आनंद गिरी को माफ करता हूँ। और इन्होंने पंच परमेश्वर पंचायती खड़ा से नरेंद्र जी के पंच परमेश्वर से माफी मांगी है, उसके लिए भी मैं खुश हुआ और आज भी इनको पूरा मैं माफ करता हूँ। और गुरु पूर्णिमा के दिन इनका अधिकार है, ये गंभीर गति में आ सकते हैं और पूजा करके जा सकते हैं, इनका अधिकार है। हमेशा गुरु तो होते ही है पूजा करने के लिए, तो और हमेशा हमारे शिष्य बनते हैं।